कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम वैक्स करवाने जाते हैं ना और हमारी बॉडी पे जब हेयर की ग्रोथ पार्लर वाली देखते हैं ना, वो बोलती है मैडम ये क्या है, इतनी ग्रोथ कैसे होगी, अब उन्हें कौन बताए यार कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये ग्रोथ हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। जब आप ये वीडियो देखोगे नया साल आ चुका होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट को ही इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। सो आप सभी को, उपासना की दुनिया के परिवार को और आप सभी के आगे परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपकी जिंदगी में जितने भी साल आए बहुत ही खुशियों भरे आए, आप जिंदगी में कामयाबी की और धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाओ और नेगेटिव चीजों को पीछे छोड़ के पॉजिटिव चीजों की ओर बढ़ो। आज हम बात करेंगे पीसीओडी की वजह से साइड इफेक्ट जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, उन्हें हम कैसे क्योर कर सकते हैं। पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैम हमारी रिपोर्ट में पीसीओएस आया था या पीसीओडी आया था। सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ, दोनों सेम चीजें हैं। हम जस्ट बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बोथ आर सिमिलर, जस्ट फुल फॉर्म का डिफरेंस है। हम कई बार डिजीज बोलते हैं, कई बार सिंड्रोम बोल देते हैं। होता क्या है यार, जब स्टार्ट होते हैं ना पीरियड्स मिस होना या इरेगुलर होना, हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं फिजिशियन को कंसल्ट करते हैं, गायना को कंसल्ट करते हैं, और वो क्या करती है, आप अभी 5 दिन ये गोली ले लो, ये मैंने लिख दी है, आप ले लो। मैप्रेट टैबलेट इज वेरी कॉमन, मेटफॉर्मिन इज वेरी कॉमन, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, डायना पर 21 डेज का साइकिल, पता हमें होता नहीं है, और निकल जाते हैं सालों साल। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, डॉक्टर बोला अभी लो 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 हो जाएगा ठीक। इवन आई एम वेरी सरप्राइज कि जस्ट लास्ट जो मेरी ओपीडी थी उसमें एक पेशेंट ने विजिट किया, उनके जस्ट 2 to 5 mm के नियर बाय फॉलिकल्स हैं, जिन्हें हम हार्डली 3 months में कंप्लीटली डिजोल्व कर सकते हैं। फ्रॉम द लास्ट 7 years शी इज टेकिंग कंटिन्यूसली मेडिसिन, जो भी हार्मोनल थेरेपी होती है कंटिन्यू वो ले रही है, बट उसको ना तो पीरियड्स आते हैं और ना ही उसके वो सेल्स डिसॉल्व कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, अब उसकी पूरी बॉडी पे हेयर की ग्रोथ होने लग गई है। हिर्सुटिज्म इज वेरी कॉमन कि चेहरे पे बालों की ग्रोथ है और हम लोग उसको लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ जो आपकी बॉडी में बालों की ग्रोथ हो जाती है वो आपके ब्रेस्ट पे है, आपके ग्रॉइन रीजन पे है, इनर थाई के एरिया पे, या आपकी नाभि से नीचे की तरफ, मतलब ये एरिया इतने कॉमन है जहां पे मोटे मोटे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको हम घर पे कैसे खत्म कर सकते हैं, 101% इफेक्टिव रेमेडी। सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया बहुत सारा प्यार देने के लिए। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, उससे भी ज्यादा शुक्रिया। जो पीसीओडी में होने वाले चेहरे पे मतलब अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ को आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस रेमेडी को, एंड जब आप लोग अपने रिजल्ट की पिक्चर्स मुझसे शेयर कर रहे हो ना, आई एम वेरी अमेज्ड कि मतलब यार कैसे से कैसे और हमारी रेमेडी किस लेवल तक वर्क कर रही है। स्टार्ट करने से पहले ये आप स्क्रीन पे एक पिक्चर देखेंगे, आपने ये पिक्चर देखी, ये मेरी पेशेंट है जिसको मैंने ये रेमेडी बताई थी कि आपको ये करना है। उसकी पूरी बॉडी पे कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां पे जैसे आपने बाजू पे बाल देखा इतने बड़े बड़े हेयर थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से उसको पूरा रिमूव किया है जस्ट होम रेमेडी को यूज करके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमें पूरी बॉडी पे क्या अप्लाई करना है जिससे कि हेयर की ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको इस रेमेडी को करना है हफ्ते में 2 बार, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैं कमेंट देती हूँ कि मैम कई बार ना हमें कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि आपको जस्ट 2x in a week करना है। आपको क्या करना है, जो चावल होते हैं 10-15 रुपए किलो वाले चावल होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, वो लेने हैं, उसको पकाना है और उसकी मांड बनानी है साथ में, मतलब पानी डाल के ओपन बर्तन में पकाना है, उसका आपको पेस्ट बना लेना है बहुत पतला पतला। उसके बाद जैसे मानो आपकी पूरी बाजू पे, आप पूरी बाजू पे ना इस तरह से उस पेस्ट को लगा दो, ऐसे लगा दिया, उसके सूखने का वेट करो, देन आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचोगे धीरे धीरे करके, जितने छोटे छोटे बाल होंगे वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, वेद आयुर्वेदा की यानी कि हम लेके आए हैं एक ऐसा जेल जो आपके फेशियल हेयर ग्रोथ और पूरी बॉडी के हेयर ग्रोथ को बिल्कुल खत्म कर सकता है। ना आपको लेजर करवाने की जरूरत है, ना बार बार वैक्स करवाने की जरूरत है, थ्रेड से करवाने की जरूरत नहीं है, प्लकर यूज करने की जरूरत नहीं है, रेजर यूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब फुल फ्लेश्ड फाइनल सॉल्यूशन।
जो इसकी कॉस्ट है वो है 2199, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, बाद में कंफ्यूजन रहता है, फॉर 2 मंथ्स. आपको कब तक यूज करना है? लगभग 6 महीने, जब तक आपकी ग्रोथ बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती. इसकी कॉस्ट 2 मंथ्स की 2199 है. ये आपका जेल है. आपको क्या करना है, मैं इसलिए आपको ये चीज बता रही हूँ क्योंकि आपको कहीं भी कोई भी बॉडी हेयर का जो है सॉल्यूशन बताएगा ही नहीं. और मुझे ऐसा लगता है कि ये इकलौती ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी जो एक आपको रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेगी. राइस वाला आपने लगा लिया, खींचा, वॉश किया हफ्ते में 2 बार, लेकिन 5 दिन आपको क्या करना है, इस तरह से लिया, ठीक है, मानो आपकी बाजू पे पूरे हेयर ग्रोथ है. जैसे आप देखेंगे कि मेरी बाजू पे इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, मेरी ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है. तो ये इस तरह से आपने हल्का सा लेके अप्लाई कर लिया. फिर क्या करना है, ये जूना लेना है, मैल खोरा, बहुत से लोगों को अवेलेबल नहीं होता है, तो इस जेल के साथ हम इसको प्रोवाइड करते हैं. आपको हेयर के ऑपोजिट डायरेक्शन पे इसको रब करना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपको रब करना है. इससे क्या होगा, आपके जितने भी बॉडी पे हेयर की ग्रोथ है, एफर्ट आपका रहेगा, पर वो धीरे धीरे करके ना खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी. अब मेरे पास जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है वो ये है, मैम जैसे एक बार ग्रोथ खत्म हो जा रही है, क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन है? जी हाँ. जैसे मानो आपकी ग्रोथ जो है आपने 1 महीना यूज किया, उसके बाद आपको नहीं दिख रही है, उसके बाद आप हफ्ते में 2 बार करना स्टार्ट कर दो या ऑल्टरनेट, ताकि जो आने वाले छोटे छोटे वो होते हैं ना, छोटे छोटे फॉलिकल से ऊपर को रिजनरेट हो रहे हैं, वो वहीं के वहीं खत्म होंगे. और आप लोग देखोगे किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में वो खत्म हो जाएगा. उसके बाद जस्ट आप एक बॉटल अपना लेके रखो, जब आपको टाइम मिले हफ्ते में 1 बार 2 बार उसको करते रहो, ताकि वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए. और 6 महीने के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और वहां पे हेयर की ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. और इस कॉम्बो के साथ आपको आएंगे टैबलेट. अब ये टैबलेट्स का क्या काम है, इसमें हमने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए जो एंड्रोजन लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे हमारी बॉडी पे. देखो जो मेल होते हैं उनकी बॉडी पे जो दाढ़ी वाड़ी आती है बॉडी पे, वो एंड्रोजन की वजह से होता है. अब हमें एंड्रोजन को कम करना है, तो ये टैबलेट उस पे काम करती है. तो आपको 2199 में 2 मंथ्स का कॉम्बो आएगा, जिसमें 2 पैकेट्स आपके ये टैबलेट के होंगे, एक आपका ये जेल होगा और एक ये होगा. बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली. अगर आप एक बार फुल बॉडी वैक्स भी करवाते हो तो वहां पर भी 1000 रुपए लगभग लगते हैं, ठीक है, और फिर हर महीने का स्यापा है. तो आप परमानेंट सॉल्यूशन पा सकते हो जस्ट 2199 में. अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. अब मैं बात करूंगी होम रेमेडी की. ऐसी कौन सी होम रेमेडी है जो एंड्रोजन के लेवल को ड्रॉप करती है? वो है मेथी दाना. मैंने हमेशा कहा है कि जिनको भी पीरियड्स रेगुलर रहते हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, वो लोग मेथी दाने का सेवन करें. आपको कैसे करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच मेथी दाना ओवरनाइट सोक करना है. सुबह उठ के उस पानी को खाली पेट आप पी लो, ठीक है. उसके बाद आधा घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है. और जो सोक, जो आपने सोक किया था मेथी दाना, उसको दिन में 3 बार खाना खाने से पहले आप निगलना है पानी से, नॉर्मल पानी से, सिंपल. धीरे धीरे बॉडी रेगुलर होना स्टार्ट होगी. बॉडी रेगुलर होगी, बॉडी रेगुलर होने का मतलब है कि बॉडी अपनी पोजिशन को रिगेन करना स्टार्ट करेगी, हॉर्मोन्स स्टेबल होना स्टार्ट होंगे और आपके पीरियड्स रेगुलर होना स्टार्ट हो जाएंगे. लेकिन हमें इंटरनली सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, एंकुलाइक लिजन्स है, मतलब इतनी तरह की रिपोर्ट्स आने लगी है. जब मैं दिन में रिपोर्ट्स देखती हूँ, मैं सोचती हूँ यार कहाँ से कहाँ प्रॉब्लम होगी इतनी से इतनी. तो आपको इन सबको इंटरनली खत्म करना होगा. उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मैं यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स अटैच करूंगी. आप लोग देखना कि किस तरह से हमारे पीसीओडी के पेशेंट्स ने 3 मंथ्स में 6 मंथ में 8 मंथ में अपनी पीसीओडी को कम्प्लीटली रिवर्स किया है. तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि क्या मेथी दाना हमारी बॉडी को गर्म करेगा, उससे पिंपल एक्ने तो नहीं निकलेंगे? देखिए मेथी दाना जो है वो वातशामक है. जब हम उसको पानी में भिगो के लेते हैं उसकी तासीर जो होती है वो चेंज हो जाती है, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है. इसलिए कहा जाता है कि आयुर्वेदा में अनुपान, ठीक है, और कैसे हम उस चीज का इस्तेमाल करें वो बहुत मायने रखता है. तो वहां पे आपकी तासीर गर्म नहीं होगी और हम उतनी ही क्वांटिटी में बताते हैं, लगभग 5 ग्राम के करीब 1 चम्मच होता है, जितना आपकी बॉडी इजिली डाइजेस्ट कर पाए और आपकी बॉडी स्टेबल हो पाए. एक और बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, वो है कि मैम क्या पीसीओडी ठीक होने के बाद दोबारा हो सकता है? सिर्फ 1% चांसेस है. 1% लोग ऐसे हैं जिनकी रीअकरेंस होती है, अगर उनकी बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती है. अदरवाइज 99% लोगों में आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हो.
पीसीओडी की वजह से होने वाली फीमेल्स में जिनमें इनफर्टिलिटी का इश्यू बहुत ज्यादा कॉमन है। मेरे पास डेली केसेस आते हैं जिनमें मैम 9 साल से प्रेगनेंसी नहीं हुई, 7 साल से नहीं हुई। आप लोग एक बार हमारा ट्रीटमेंट लेके देखिए, आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके घर पहुंच के आपके लिए ऐसी रेमेडीज लेके आऊं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मेडिसिन का भी यार हम इसलिए बताते हैं क्योंकि लोग ना इतना पैसा अलग अलग जगह वेस्ट कर चुके हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिला। तो मुझे खुद लगता है कि नहीं यार, हम लोगों को अगर ठीक कर सकते हैं, अगर हमारे बताने से उनकी हेल्प होती है तो इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है। तोड़ तोड़ के आप पैसा वेस्ट करोगे ना, आप 10 साल लगा लोगे, आपके लाखों रुपए लग जाएंगे, लेकिन मंथली 4-5 महीने आप एक साथ लगा दोगे ना तो वो चीज ज्यादा बेस्ट है। पीसीओडी के पेशेंट में क्या होता है, फिर वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, पिंपल एक्ने होने लग जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, मूड स्विंग्स इतने ज्यादा आते हैं। अच्छा, आप लोग जो भी वीडियो देखे आप बताना, आप इसे कितने लोग ऐसे हैं जिनको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं, उनका मन करता है सर फोड़ दे सामने वाले का, इसको नोच दे, ये बोल कैसे रहा है। कई बार तो ऐसा होता है इतनी सी आवाज से इरिटेशन होती है। तो ये सारी चीजें आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हो हमसे कॉन्टेक्ट करके। आपको कॉन्टेक्ट करना है इस नंबर पे। बहुत से लोग कहते हैं मैम रिवर्ट नहीं आ रहा। यार वहां पे ना बहुत लोग मैसेजेस करते हैं, ठीक है, तो आपको जो रिवर्ट आएगा वो विद इन 48 आवर आएगा। ऑल दो हम कोशिश करते हैं कि 24 घंटे में आपको प्रॉपरली हम गाइड कर दें, बट स्टिल आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई मैसेज स्किप हो जाए तो आप दोबारा से मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको डेफिनेटली रिवर्ट आएगा। अब आप इस तरह से इस रेमेडी को फॉलो करो, इस कॉम्बो को ऑर्डर करो और अपनी बालों की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाओ। मतलब इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहें। एंड यस, अपनी पीसीओडी को हमेशा के लिए अलविदा कहें। टाइम हर पेशेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, किसी को 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, बट आपको समाधान जो है वो प्रॉपर मिलेगा। उपासना की दुनिया को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।